दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल एक्सेलर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब थोड़ी सी आवाज में सुधार हो रही है, पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ी सुधार हुई है, चलिए अच्छी बात है। वैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल की, मॉनसून कार्निवल सेल ऑलरेडी आ चुका है फिर से दोबारा अमेजोन के ऊपर, जो कि 18 तारीख यानी परसों से ऑलरेडी चालू हो चुका है और 22 तारीख तक चलेगा। वैसे काफी अच्छी डील्स हैं, कुछ 4-5-6-7 अच्छी डील्स हैं, उनके बारे में बात करते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी डील मुझे इसमें लगी जिसमें आप 18,750 रुपए में मी 11 लाइट एनी 5 ले सकते हो, शाओमी वाला, स्नैपड्रैगन 778G के साथ आता है। बाकी सारी चीजें उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे ले सकते हो इस प्राइस में। वैसे इसके ऊपर ICICI कार्ड के मल्टीपल ऑफर्स हैं, कुछ 2,000-3,000-4,000 ऑफर हैं। 27,000 का फोन है आपको मालूम है एंड सेल में 25,000 में आ गया, मतलब 2,000 ऑलरेडी माइनस कर दिया इन लोगों ने जो इसका बेस वेरिएंट है उसके ऊपर। अब इसके बाद क्या है कि ICICI कार्ड के ऊपर मल्टीपल ऑफर्स है, लेकिन उन ऑफर्स को लेने के लिए मिनिमम कार्ड वैल्यू जो है वो 24,000 के आसपास होनी चाहिए। और इसके ऊपर एक 5,000 का एक्सचेंज वाला भी ऑफर है, तो एक्सचेंज ऑफर अगर लेते हो तो वो सारे कार्ड वाले ऑफर नहीं ले सकते। लेकिन एक कार्ड वाला ऑफर है जिसके लिए मिनिमम कार्ड वैल्यू सिर्फ 5,000 रुपए होनी चाहिए, वो ICICI के क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, EMI के ऊपर। उसमें 1,250 रुपए का ऑफर है, तो 5,000 एक्सचेंज का और 1,250 रुपए कार्ड का। वैसे अगर आप कार्ड विदाउट एक्सचेंज लेते हो तो भी कुछ 3,500-3,000 रुपए ऑफ हो जा रहे हैं, तो 20,000-21,000 के आसपास आता है। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करते हो और फिर कार्ड लगाते हो EMI पे तो ये आपको 18,750 रुपए में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अच्छी डील है उस प्राइस के हिसाब से, अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए पुराना फोन हो और ICICI का क्रेडिट कार्ड हो तो आप देख सकते हो अच्छी डील है, 22 तारीख से पहले लेना है। चलिए अच्छी बात है। क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है इस प्राइस में? इस प्राइस में आपको 6.55 इंच का एमोलेड का पैनल है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, पंचोल के साथ आता है, काफी लाइट वेट है सिर्फ 158 ग्राम्स का और 6.8mm का, तो काफी थिन भी है। तो एक थिन और लाइट कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हो, चलिए अच्छी बात है। देन इसके बाद मतलब रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है एंड सारी चीजें, देखने में स्मार्टफोन काफी अच्छा है। इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो वही हाईलाइट है, स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट है, ऑक्टाकोर का है एंड 6 MAH बेस है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। एड्रीनो 640 डुअल गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी संभाल लेता है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्कोर की बात करोगे तो समझ लो कि 5 लाख के ऊपर चला जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा है, वहां पे कोई इशू नहीं है, गेमिंग सब कर लोगे। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आया था, अब 12 के अपडेट आने चालू हो गए हैं जो कि MIUI 13 के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ी सी ब्लूटूथ वैसे रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे। परफॉर्मेंस का सेगमेंट अच्छा है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, 64+8+5 MP का, 20 MP का फ्रंट कैमरा है, रियर से 4K फ्रंट से 1080 कर पाओगे, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैमराज अच्छे हैं, 18,500 के हिसाब से अच्छे कैमराज हैं। 4,250 mAh की बैटरी है, 33W का फास्ट चार्जर है, Type-C का पोर्ट है। बैटरी आप कह सकते हो थोड़ी छोटी है, लेकिन ये चीज़ याद रखो कि ये स्लीक फोन है तो ऑब्वियसली बैटरी थोड़ी छोटी मिलेगी, लेकिन 33W का फास्ट चार्जर और Type-C का पोर्ट अच्छे हैं। इसके बाद सेंसर्स की बात करोगे तो 3.5mm जैक नहीं दिया गया, ये चीज़ याद रखना, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक मिल जाता है। तो सेंसर्स के डिपार्टमेंट में 3.5mm जैक को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हैं। हाइब्रिड कार्ड स्लॉट है, मतलब एक्सपांड कर पाओगे लेकिन तीनों चीजें नहीं लगा पाओगे, कोई दो चीज, या फिर एक सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड, या तो फिर दो सिम कार्ड, ठीक है। मतलब 27,000 का फोन सारे ऑफर्स लगा के अगर आपको 18,750 में मिल रहा है तो मेरे हिसाब से अच्छी डील है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक पुराना फोन होना चाहिए एक्सचेंज करने के लिए और आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा उस प्राइस में फिर ये तगड़ी डील है। दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो ये बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, साइड में देखो व्यक्ति मैं जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों